है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कभी कभी होता है ना, हमें सुबह में पराठा रोटी बनाने बहुत ही लेज़ीपन आता है, आलस आता है, तो उस टाइम आप ये रेसिपी ट्राई कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। यहाँ पर मैंने एक बोल में दो एग, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, नमक और दो हरी मिर्च को कट कर लिया है बारीक बारीक, इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ मैंने कुछ ब्रेड के स्लाइस दिए हैं, वाइट ब्रेड, आप ब्राउन ब्रेड भी ले सकते हो। तवा गरम हो चुका है, इस पर मैंने थोड़ा सा ऑयल अप्लाई कर दिया है, आप बटर या घी कुछ भी अप्लाई कर सकते हो। और फिर ब्रेड को मैंने मिक्स किए हुए अंडे के इसमें डिप कर दिया है और बस इसे हमें सेक लेना है तवे पर अच्छे से, दोनों जानिब से इसे हमें इसमें डिप करके लो फ्लेम पर सेक लेना है। ऊपर से मिक्स किया हुआ एग मैंने अच्छे से इस पर और थोड़ा सा स्प्रेड कर दिया है ताकि दोनों जानिब इक्वल रहे, और आई थिंक इस पे एक ब्रेड और आ जाएगा इसलिए मैंने इसे थोड़ा साइड किया और एक ब्रेड को और इसमें मैंने डिप करके रख दिया है। दोनों जानिब हम इसे गोल्डन ब्राउन होने तक के, क्रिस्पी होने तक के फ्राई कर लेंगे, सेक लेंगे। इसे हमें बिल्कुल लो फ्लेम पर कुक करना है और एक साइड 1.5 से 2 मिनट का टाइम लगता है कुक होने के लिए, और बस फिर ये रेडी हो जाता है। तो देखिए, मैं इसे पलटने से पहले ऊपर थोड़ा सा ऑयल अप्लाई कर रही हूँ और इसे पलट कर चेक कर लेते हैं। देखिए, बिल्कुल अच्छे से कुक हो चुका है, अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। इसे दूसरी जानिब टर्न कर देंगे और इसे भी अच्छे से कुक होने देंगे। सो फ्रेंड्स, देखिए इसे हम चेक कर लेते हैं, तो दोनों जानिब से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। इसे हम निकाल लेंगे एक प्लेट में और बाकी के भी सारे ऐसे ही रेडी कर लेंगे। और हाँ, जो एक नहीं खाते ना, तो एक की जगह आप 3 से 4 चम्मच बेसन ले लें और इसमें पानी ऐड कर ले हस्बैंड जरूरत, बाकी के सारे इंग्रेडिएंट सेम रहेंगे। सो फ्रेंड्स, देखिए हमारा ये ऑमलेट और ब्रेड का इजी सा नाश्ता बनकर बिल्कुल रेडी है। सो देर की इस बात की, जल्दी से इसे ट्राई करो और कमेंट करके बताओ आपको ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।